हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना का पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लम फैला हुआ है और हम लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से और गवर्नमेंट्स की तरफ से कि जब भी आप बाहर निकलें, अव्वल तो आप निकलें नहीं, मतलब बहुत ज़रूरी अगर है तो फिर आप बाहर निकलें, और अगर जब ग्रॉसरी करने जाएँ या ऐसे किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें आप, तो आप मास्क पहन लें। मास्क के साथ प्रॉब्लम यह है कि हर जगह शॉर्ट हो गए हैं मास्क, तो मास्क मिलना मुश्किल काम है। तो लोगों ने फिर ये एक तरीका बताया गया उनको, लोगों ने फिर ये ज़रूरत के तहत अपने मास्क खुद बनाने शुरू कर दिए। तो स्पेशलिस्ट वगैरह ने ये कहा है कि आप कॉटन यूज़ करें मास्क के लिए, इसलिए कि कॉटन जो है वो जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनसे बेहतर रहता है और आपको एलर्जीज़ वगैरह भी नहीं होती, इसलिए कि पूरे आप फेस पे लगाए हुए होते हैं, वो चीज़ आप सांस भी ले रहे हैं उसी में, और फिर ये धोने में भी आसान होता है कि आप आए बाहर से और फिर आपने इसको फ़ौरन धो लिया। तो ये मैंने दो मास्क बनाए हैं, अब मैं बहुत इजी हैं ये। तो आजकल ये प्रॉब्लम ये भी है कि स्टोर सारे बंद हुए हैं, तो आप कोई इलास्टिक या आप कपड़ा जाके ख़रीद भी नहीं सकते। तो मेरे पास भी ये प्रॉब्लम था कि मेरे पास कपड़े तो बहुत रखे हैं, चूँकि मैं अपने कपड़े खुद सीती हूँ, तो छोटे छोटे पीसेस रखे रहते हैं, लेकिन पतला वाला इलास्टिक नहीं था, और चौड़ा वाला इलास्टिक ज़ाहिर है आप कानों के पीछे के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो मेरे पास ये रबर बैंड्स रखे हुए थे, हेयर टाइज, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी ज़ाहिर ये भी इलास्टिक ही है और ये अच्छा रहता है। तो मैंने इन दोनों में यही वाले यूज़ किए हैं, हेयर बैंड्स आम तौर पे जो मिल जाते हैं, थोड़े मोटे वाले भी होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये पतले ही थे तो मैंने पतले वाले यूज़ किए हैं। ये थोड़े डिफरेंट साइज़ के हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, तो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट इसकी मेजरमेंट नहीं है, जैसे कोई आप कोई शर्ट नहीं सी रहा है, आप कोई पैंट नहीं सी रहा है, ये बस मास्क है जो आपको फेस कवर करना है, जिससे ये 16 सेंटीमीटर्स का ऑलमोस्ट इसकी चौड़ाई है, ये जो आपको साइड से कवर करेगा वो 12 को आप डबल कर लें तो ऑलमोस्ट 23 समझ लें, लेकिन ये बस एक रफ एस्टिमेट है, आप इसे थोड़ा सा छोटा और इससे बड़ा भी कर सकते हैं। ये छोटा वाला साइज़ जो है ये 13 सेंटीमीटर्स का है और यहाँ से 12, यहाँ से ये ऑलमोस्ट इतना ही है, 23-24 पड़ेगा आपको पूरा जब खोल लेंगे आप ये, तो इस तरह। और ये डबल लेयर्ड है दोनों, इसलिए इससे अच्छी प्रोटेक्शन रहती है और फिर आपकी सिलाई वगैरह जो है वो भी छुप जाएगी इससे, ये डबल लेयर है ये। और ये वाला भी, ये भी इसी तरह का है। चाहें तो ऊपर पे कटिंग कर लें इसकी, ये हल्का सा ऐसा जाएगा, अब ये इस तरह आप कट कर लें कि थोड़ा सा शार्प यहाँ से रहे, तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी ऐसे, और ये थोड़ा सा आपको यहाँ से छोड़ देना है इसलिए कि सिलाइयों में भी जाएगा। अब मैं आपको कपड़ा काट के दिखाती हूँ उसका, ये इस तरह सही रहेगा कि आप फिर अगर 2-3-4-5 जितने भी बनाने हैं आपको, तो ये आपके पास एक मेजरमेंट होगी जिसको आप रखेंगे और इजीली कट कर लेंगे अपना स्कार्फ को। ये डबल लेयर लिया आपने और फिर आपने इसको दोबारा से डबल कर लिया, इसलिए कि आपको इस तरह के चार पीसेस चाहिए ना खोलने के लिए, जैसे एक ये है, एक ये है, बीच में सिलाई आएगी और एक ये, एक ये, तो चार हो गए, 1, 2, 3, 4। अभी आप ऐसे रखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मेजरमेंट नहीं है कि आपको इतना ही रखना है। बाज़ लोग जो हैं वो थोड़ा सा छोटा मास्क पसंद करते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो थोड़ा सा बड़ा मास्क पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा आप गोलाई में और कर लें इसको। वैसे ये है कि एक आसान तरीका ये है कि आप अपनी जो नोज़ का जो मिडल पार्ट कहना चाहिए, ब्रिज ऑफ द नोज़ जो है आपकी, उससे लेकर अपनी चिन तक आपका कहा जाता है कि कवर होना चाहिए, तो आप मेजरमेंट ऐसे ही लें कि ये जगह जो है, ये वाला पॉइंट आपकी नाक पर आएगा, नाक के बीच में,
और फिर ये आपके मुंह और नाक पे पूरा आके ये आपकी चिन कवर कर लेगा, तो आपका माउथ और आपकी नोज़ दोनों जो है इसके मास्क के अंदर होगा, और ये जो है थोड़ा सा आपके चीक पे आ जाएगा। अब मैं इसको, ये दो पीसेज हम लोगों के पास हो गए, अब मैं इसको यहाँ से सीना है मैं इधर से ऐसे एक, और फिर सेकंड वाला भी आपको ऐसे ही सीना है। अब ये दोनों जो है मैंने मशीन से यहाँ से और इधर से सी लिए हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व आ रहा है, देखें तो ये आपकी नोज़ के ऊपर इजीली फंसेगी नहीं, फंसेगा नहीं, मतलब ये आपकी नोज़ पे इजीली कवर कर देगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है या आपको मशीन यूज़ करनी नहीं आती तो आप हाथ की सिलाई भी कर सकते हैं इसे, मतलब सुई धागे से लेकर सिंपल सा, बस ये यहाँ से ज्वाइन करके कि एक ही लाइन में आए, और फिर आप ये यहाँ से सी लें इसको इधर से, और इसी तरह नीचे से भी आप सी लें कि लेयर्स हैं ये एक साथ आ जाएंगी। अभी मैं आपको सी के दिखाती हूँ। अब मैंने ये दोनों पार्ट जो है नीचे का और ऊपर का ये दोनों जोड़ लिए हैं। अब आप देखें ये जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये वाला पार्ट साइड्स के जो हैं ये अभी तक खुले हुए हैं, ये सिर्फ हमने जोड़े हैं ये ऊपर का और नीचे का, लेकिन साइड जो है वो अभी जहाँ आप रबर बैंड लगाएंगे वो खुली हुई है। वो इसलिए कि हमको इसको उल्टा भी करना है, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए ताकि जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर चला जाए और जो साफ पार्ट है सीधी तरफ का वो आगे आ जाए। जब आप इस्त्री कर लेंगे इसको तो ये पूरी जो है ये जो थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा है आपको वो चीज़ नहीं रहेगी, वो सब जम जाएगा। अब ये वाला जो दोनों पार्ट्स हैं ये इसमें हम इसको कैसे बंद करेंगे, हम इसको बंद करना है हमें और फिर फोल्ड करना है ऐसे ताकि ये जो रबर बैंड है ये ऐसे आ जाए, यूँ इस तरह आ जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपल ज़िगज़ैग करीब करीब करके कर देंगे, मेरे पास सर्जर नहीं है, वरना अगर जिसके पास सर्जर हो वो सर्जर यूज़ कर सकता है, और सिंपल ज़िगज़ैग करके फिर आप इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे पहले हमने ये सिलाई कर ली थी, ये कर ली थी सिलाई, ये तो सबसे पहले की थी, और ये साइड के पार्ट जो थे ये खुले हुए थे। अब आप मैंने ये ज़िगज़ैग सिंपल ज़िगज़ैग करके इसको बंद कर दिया, देखें अब ये पूरा कहीं से भी खुला हुआ नहीं है आपका मास्क। ये वाला पार्ट भी ज़िगज़ैग करके बंद कर दिया ताकि इसके धागे ना निकलें। अब हम इसको इलास्टिक ऐसे डाल के और फिर यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इसको और सी लेंगे। आप चाहें, अगर आपको मुश्किल लग रहा है सिलाई करना तो आप हाथ से भी टाँके लगा सकते हैं इसको बारीक बारीक करीब करीब, और चाहें तो आप सिलाई कर लें, जो भी आपके लिए आसान हो। ये अंदर चला जाएगा, मैं भी इसको करके दिखाती हूँ। ये अब मास्क आपका तैयार है। ये जो सिलाई वाला पार्ट जो मैंने मोड़ा है ये अंदर की तरफ आएगा ताकि इधर से साफ ही नज़र आए, ये उल्टा उल्टी तरफ है, और ये दोनों तरफ मैंने इलास्टिक लगा दिए। इसको आप थोड़ा सा खींच के ऐसा भी कर सकते हैं कि चुन्नट इधर आ जाए, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ नहीं रहेगा फिर आपको जब आप पहनेंगे तो। और आप हर किसी के घर में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कपड़ा रखा हुआ ही होता है, कॉटन आजकल आम मिल जाती है, रबर बैंड्स भी हर किसी के घर में होते हैं। मशीन आपके घर नहीं है, अगर आप सिलाई नहीं करते तो सुई धागा तो होता है यकीनन, तो सुई धागा आप लेकर खुद एक मास्क बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। आपके कोई पड़ोस में कोई ऐसा हो जो बिल्कुल भी सीना ना जानता हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो आप उसको ये गिफ्ट भी कर सकते हैं बना के। और ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं, अगर लोगों अक्सर लोग जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी इस पर बना रहे हैं, अक्सर लोगों को प्लेन पसंद हैं, कुछ लोग डार्क कलर के पसंद करते हैं, तो जो भी आपकी पसंद है। और जब आप वापस आएँ तो इसको धो के कहीं टांग दें, सूख जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप जाएँ फिर पहन लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से आपको ये मास्क बनाना सिखाऊं, और मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैं और मेरी बेटी जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ग्रॉसरी करने, तो ये इजी रहता है और आपको एक प्रोटेक्शन की सेंस भी फील हो रही होती है कि आप प्रोटेक्ट हैं। और घर आके बस मैं धो के इसको डाल देती हूँ, तो जब ड्राई हो गए तो फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं।